नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं दुनिया बस। आज हम बात करेंगे म्यांमार के सैन्य शासक के बारे में जिसने खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर लिया है। वो कहते हैं ना, तानाशाही है राजनीति की राख, इतिहास है गवाह, नफरत के सभी पुजारियों ने किए खुद ही को तबाह। जब जब कोई तानाशाह बनना चाहा है तब तब वो बर्बाद हुआ है। अब किम जोंग को ही देख लो, कोई भी देश उससे बात करना पसंद नहीं करता, चीन को छोड़कर। म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त करने वाले सैन्य तानाशाह मिन ऑंग हलिंग ने खुद को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया है। आज से 6 महीने पहले म्यांमार की सेना ने ऑंग सांग सू की के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया था। इतना ही नहीं, सेना ने सू की को नजरबंद कर दिया जबकि बाकी नेताओं में से कईयों को जेल में डाल दिया है। तब से ही म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ लगातार हिंसक विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। तख्ता पलट के बाद सैन्य शासन ने सू की के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए हैं, जैसे अवैध रूप से वॉकी टॉकी रेडियो रखना और कोरोना वायरस प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया गया। रविवार को टेलीविजन पर दिए गए संदेश में जनरल मिन ऑंग हलिंग ने अपने वादे को दोहराया और कहा कि 2 साल के अंदर यानी कि 2023 तक देश में चुनाव कराए जाएंगे और संकट के राजनीतिक समाधान के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सहयोग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष बहुदलीय चुनाव कराने के लिए स्थितियां बनानी चाहिए, हमें इसकी तैयारी करनी होगी। अगर मामले को करीब से समझे तो मामला कुछ ऐसा है कि 1 फरवरी 2021 को ऑंग सान सू ची की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई थी। म्यांमार के सेना अधिकारियों ने अपने इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि सैन्य प्रमुखता वाले 2008 के संविधान में ऐसा करने की इजाजत है। सेना का दावा है कि सू की पार्टी को पिछले साल आम चुनाव में भारी जीत फर्जीवाड़े से मिली। हालांकि सेना ने अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। आपको बता दें कि मिन ऑंग हलिंग ने राज्य प्रशासन परिषद यानी कि SC की अध्यक्षता की, जो तख्ता पलट के ठीक बाद बनाई गई थी। यही परिषद 1 फरवरी से म्यांमार का शासन चला रही थी। अब कार्यवाहक सरकार इस परिषद की जगह लेगी और देश की बागडोर संभालेगी। मिन ऑंग हलिंग ने यह भी कहा कि उनका प्रशासन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ काम करेगा। असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिक्स प्रिजनर्स एक्टिविस्ट ग्रुप ने हथियार बल पर तख्ता पलट के बाद से देश में हो रहे विरोध को दबाने के लिए 939 लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया है और कहा है कि कम से कम 6,990 सैन्य विरोधियों को गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद सेना ने कहा कि देश में शांति बनाए रखने के लिए हर तरह के कदम उठाए जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस तख्ता पलट की घोषणा का क्या अर्थ है और म्यांमार देश की हालत में क्या बदलाव आएगा, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। सेना ने शुरू में कहा था कि वो तख्ता पलट के बाद 1 साल तक सत्ता में रहेगी। जनरल हलिंग ने यह भी दावा किया कि तख्ता पलट संविधान के दायरे में है। सेना प्रमुख के चुनाव की घोषणा के बाद अब देश पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में है। दूसरी ओर लोकतंत्र समर्थक और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने विपक्ष के खिलाफ सेना की क्रूर कार्रवाई का लगातार विरोध किया है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि म्यांमार में हिंसा दक्षिण एशिया को अस्थिर कर सकती है। सैन्य जुंटा के विरोध में छात्रों के छोटे छोटे समूह सभी प्रमुख शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं और इस बीच आचार संहिता को लेकर देश में दहशत का माहौल है। अस्पतालों में काम कर रहे लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता काम पर नहीं आ रहे हैं, जिससे अस्पताल खाली है। विश्व बैंक ने इस साल देश की अर्थव्यवस्था में 18% की गिरावट का अनुमान लगाया है। खबर कहीं की भी हो, अगर उसमें भारत के राजनेता अपनी राजनीति ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट को लेकर एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि आखिर कई तानाशाहों के नाम अंग्रेजों के M और हिंदी में म अक्षर से ही शुरू क्यों होते हैं।
राहुल गांधी ने ट्वीट कर कुछ तानाशाहों के नाम भी गिनवाए। ध्यान रहे कि म्यांमार में तख्ता पलट करने वाले सेना प्रमुख का नाम मिन ऑंग लाइंग है, जो अंग्रेजी के एम अक्षर से ही शुरू हो रहा है। राहुल ने अपने ट्वीट में मार्कस मुसोलिनी, मिलोसोविच, मुबारक, मोबुतू, मुशर्रफ, माइको कम्बेरो का नाम गिनवाया है। ध्यान रहे कि मार्कस का पूरा नाम फर्डिनेंड इम्यूनल एड्रिनल मार्कस था, जो फिलीपींस का राष्ट्रपति बना। उसने सैन्य तानाशाही वाले कई और बर्बर कानूनों का इस्तेमाल किया। हालांकि राहुल गांधी का ये ट्वीट पुराना है, लेकिन आज की घटना पर पूरी तरह फिट बैठता है। तो आपको हमारा शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें।